तो हम 6 साल लड़के थे, हमने सोचा कि किसी में प्राण बचे हो तो हम सबसे पहले उनके पास गए, हमने सबको देखा, सोचा कि किसी में जान होगी तो उनको त्वरित हायर सेंटर रेफर कर। उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। मुनशारी के होकरा इलाके में श्रद्धालुओं से भरी जीप 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण सड़क हादसे में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। इस दर्दनाक हादसे की जिम्मेवारी क्या सरकार को ठहराया जाएगा? अच्छी सड़क ना होने के कारण खाई में जा गिरी बुरेलो। घटनास्थल में NDRF और SDRF की टीम ने रेस्क्यू लगातार जारी कर रखा है और मौके। चलिए जानते हैं गांव के लोकल लोगों का क्या कहना है और उन लोगों ने तुरंत ही एक्सीडेंट देखने के बाद क्या एक्शन लिया। आइए सुनते हैं एक बार उनके मुंह से वो क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या आपको समझाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहुंचे तो हमने देखा कि रोड से नीचे जहां गाड़ी गिरी थी तो नीचे चट्टान में सारी कैजुअलिटीज पड़ी थी। तो हम 6 साल लड़के थे, हमने सोचा कि किसी में प्राण बचे हो तो हम सबसे पहले उनके पास गए, हमने सबको देखा, सोचा कि किसी में जान होगी तो उनको त्वरित हायर सेंटर रेफर करने के लिए कोशिश की। तो सबसे पहले हम गए और सबको देखा। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर मुनस्यारी तहसील की सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। एक साथ 10 शव को देखकर वहां मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौके पर पिथौरागढ़ जिलाधिकारी भी पहुंच गई, जिन्होंने सड़क की बदहाली पर कार्रवाई की बात कही। बोलेरो गाड़ी गिरी है और इसमें 10 लोग के मारे गए हैं। इनकी बॉडी भी रिकवर हो गई है, PM करा के इनको उनके गंतव्य पर रवाना भी कर दिया है। ये रोड काफ़ी बदहाल स्थिति में है तो इसके अगेंस्ट PMGSY की ये रोड है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। हादसे के बाद SDRF और NDRF की टीम ने मौके पर रेस्क्यू किया और खाई से सभी शवों को बाहर निकाला, जिनका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी ने हादसे की पूरी जानकारी दी है।